हे गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फेसबुक पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, फेसबुक पेज को क्रिएट करने के लिए आपको फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉप पर 3 डॉट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आप सिंपली इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, फेसबुक पेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको पेज वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आप सिंपली इस पेजेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पेजेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अभी हमें पेज न्यू क्रिएट करना है। सो गाइस, आप सिंपली इस क्रिएट पेज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्टेड वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है। सो गाइस, आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको अपना पेज नेम एंटर करना है। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक विद जावत। सो गाइस, यहाँ पे आप अपना पेज नेम एंटर कर देना और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पेज का कैटेगरी चूज़ करना है, आप किस कैटेगरी में अपलोड करना चाहते हो वीडियोस। सो मैं यहाँ पे टेक लिख देता हूँ, टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस। अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आप कुकिंग रिलेटेड भी ले सकते हो, जैसे कि कुकिंग स्कूल, किचन लिख सकते हो। हमारा टेक कैटेगरी है तो मैंने सिलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस वेबसाइट। कुकिंग है तो आप यहाँ पे कुकिंग लिख देना, आ जाएगा टैक्स कुकिंग किचन लिख देना, अगर आपका कुकिंग रिलेटेड है तो। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंफॉर्मेशन एंटर करना है। सबसे पहले होता है बायो, बायो में आपको पेज के बारे में लिखना है। आपका पेज जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स, इन दिस पेज वी विल अपलोड वीडियोस रिगार्डिंग टेक्निकल न्यूज़ इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक देना है। अगर आपका वेबसाइट है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आप YouTube चैनल का लिंक भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है। इसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है। सो हमारा सिटी है कटक। जिप कोड एंटर कर देना है, जिप कोड होता है पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे आपको ये पूछेगा कितने आवर तक आप अवेलेबल रह सकते हो। सो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन दिया है, नो आवर अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, स्टैंडर्ड आवर। नो आवर अवेलेबल पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिट एक्शन बटन वाला एक ऑप्शन आ जाता है। सो वैसे आप सिंपली इस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज योर एक्शन बटन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। सो वैसे यहाँ पे आप नीचे ट्राइट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको
कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सो एक्शन बटन के बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। सो गाइस आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर सकते हो, कंट्री कोड सिलेक्ट करना, हमारा है इंडिया, सो इंडिया इंडिया। इसके बाद यहाँ पे आप गेट कोड कर सकते हो, इसके बाद यहाँ चाहे आप स्किप भी कर सकते हो, और इसके बाद यहाँ पे हमारा फ्रेंड इनवाइट कर सकते हो, इनवाइट फ्रेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड हैं आप एक साथ इनवाइट कर सकते हो। सो गाइस इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करना और सभी को इनविटेशन सेंड कर देना। सो अभी हमने 10 लोगों को इनवाइट किया है, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको पेज नोटिफिकेशन ऑन प्रोफाइल ये इसको डन पे ही रहने दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे डन कर देना है। सो गाइस अभी हमारा पेज क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है वेलकम टू आवर न्यू पेज। यहाँ पे आपको स्टार्ट टूर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट डन। सो गाइस हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पेज का हेल्थ बहुत ही गुड है। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हो, सिंपली सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना और गैलरी से अपलोड कर देना, और कवर भी ऐड कर सकते हो। अभी आप सिंपली ऐड कवर पर क्लिक करना और अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना। सो गाइस इसी प्रकार से आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सी डैशबोर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारे पोस्ट के एंगेजमेंट और एलिजिबिलिटी मोनेटाइजेशन का सब कुछ देखने को मिल जाता है। सो गाइस आप सिंपली इस सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, इसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पोस्ट का परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट, फॉलोइंग, इम्प्रेशन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे टूल्स वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस टूल्स के नीचे यहाँ पे आपको पेज एसेस, मोनेटाइजेशन, एड सेंटर, लिंक अकाउंट सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला होता है पेज एसेस, आपने किस किस को अपने पेज का एसेस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आप अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना, आप अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको अपना फ्रेंड का नाम सर्च करना है, ठीक है यहाँ पर हमारा नाम आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको गिव एसेस दे देना है, यहाँ पे आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड भी दे देना है, पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा पेज इनविटेशन इस आईडी पे चला गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर देना है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन। सो गाइस इस पे क्लिक करते ही आपको बता देगा आपको कितना फॉलोअर, कितना वॉच चाहिए। सो गाइस आप सिंपली इस पे क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला होता है स्टार्स, तो स्टार्स को पाने के लिए यहाँ पे आपको 1000 फॉलोअर होना चाहिए,
और कंसेक्यूटिव 60 डेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लाइव स्ट्रीम एड्स। सो गाइस देख सकते हो लाइव स्ट्रीम ऐड के लिए यहाँ पे आपको मिनिमम 10K फॉलोअर्स चाहिए और लास्ट 60 डेज में मिनिमम 600K रीच होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हो। हमारा अभी पेज एलिजिबल नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने इसको क्रिएट किया है। इसके बाद आपको बैक कर देना है। सब्सक्रिप्शन पे भी चेक कर देना है। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए मिनिमम 10K फॉलोअर और वीकली 250 रिटर्निंग व्यूअर्स चाहिए और एंगेजमेंट में 50K पोस्ट एंगेजमेंट भी चाहिए। सो गाइस यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हो मोनेटाइजेशन सेक्शन में। और नेक्स्ट होता है एड सेंटर। सो एड सेंटर में आप गूगल कैंपेन चला सकते हो। क्रिएट अ न्यू एड पे क्लिक कर देना। जैसे यूट्यूब पे गूगल एडवर्ड ही यूज़ करते हैं वीडियो प्रमोट करने के लिए, सो फेसबुक में भी यहाँ पे आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप डेली बजट पे 83 रुपीज़, 100 रुपीज़, 140 रुपीज़, 350 रुपीज़ पैसे लगाकर आप वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डिटेल पे मैं वीडियो इस पर बना सकता हूँ। इसके बाद बैक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है लिंक्ड अकाउंट। आप अपना पेज को इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे लिंक भी कर सकते हो। अगर आप अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आप सिंपली कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। सो गाइस यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर देना है और आपका इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बैक कर देना। सो गाइस ये था प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोटोज़ वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप एलो क्लिक कर देना और आपका जो वीडियोस है आप सिलेक्ट कर देना और डन कर देना। यहाँ कंटिन्यू एडिटिंग कर सकते हो, अपना पोस्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना रील्स भी अपलोड कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग। सो ये थी पूरी वीडियो फेसबुक पेज के बारे में। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।